नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। अगर आज हम ग्लोबल मैक्रोज की बात करें तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा एक सुधार देखा है। बॉन्ड यील्ड 4.28 के करीब आ चुका है फ्रॉम 4.40। डॉलर इंडेक्स जो इतने दिनों से 103 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी वो 102.5 के करीब आ चुका है, और ये स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है। अगर हम इस ओवरऑल ग्लोबल मैक्रोस के साथ अगर हम हमारे इक्विटी मार्केट्स को देखें तो आज के दिन में एशियन मार्केट्स में हैंगसेंग के अलावा बाकी इंडाइसेस में अच्छी खासी तेज़ी है। स्पेसिफिकली यूएस स्टॉक फ्यूचर्स पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी नियरली 75 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम FIIs की अगर एक्टिविटी देखें तो वहाँ पर भी हमने कुछ खरीदारी देखी है पिछले 2-3 दिनों से, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि डॉलर इंडेक्स में लगातार तेज़ी बनी है। आई मीन टू से डॉलर इंडेक्स लगातार गिरते जा रहा है, जिसकी वजह से FIIs की सेलिंग थमी है, या तो हम कह सकते हैं कि वो बायर बन के उभर रहे हैं। हमारे निफ्टी के सेटअप की बात करें तो कल के दिन में हमने ब्रेकआउट देखा है, 19,875 के ऊपर की क्लोजिंग थी। अब यहाँ से 20,050 और 20,115 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे मार्केट के लिए। 20,000 साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा, और चूंकि हम मंथली एक्सपायरी के आसपास है तो 20,050 के करीब हमें मार्केट में रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। तो इन लेवल्स के करीब अगर मार्केट खुलता है तो इंडेक्स में आप कॉशियस रहिए और करेक्शन में ख़रीदारी करने की कोशिश कीजिए। 19,875 जो अभी प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट के बेसिस पे काम करेगा, और 19,800 से लेकर 770 का लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, करेक्शन में खरीदारी करके बिल्कुल चल सकते हैं। अदरवाइज हम स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखेंगे और मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ खोजने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, 44,000 के करीब की क्लोजिंग है। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो मोमेंटम काफ़ी रिलक्टेंट था, लेकिन जैसे कि मार्केट का पैटर्न बना है हमें लगता है कि अभी 44,450 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर आज के दिन में बैंक निफ्टी इन लेवल्स को क्रॉस करता है 44,450 को, तो फिर यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी बनेगी और एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बैंक निफ्टी कन्वर्ट हो सकता है। अदरवाइज हमें यहाँ पे भी वापस एक साइडवेज एक्टिविटी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ बाकी इंडाइसेस की बात करें तो ऑटो इंडेक्स या निफ्टी IT इंडेक्स, इनमें भी अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। इन्होंने भी इस ओवरऑल अपमूव में कल पार्टिसिपेट किया है, ब्रेकआउट पैटर्न में पार्टिसिपेट किया है, और साथ ही साथ हमें लगता है कि कुछ बैंक स्टॉक जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनमें तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल हमें स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना है, अगर मार्केट 20,000-20,050 के करीब हो और अदरवाइज देयर इज एनी करेक्शन तो हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अपना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगलमय रहे, धन्यवाद।